मैंने जो बात की साथियों, वो कितनी छोटी सी बात थी कि जनेऊ में बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। अगर आपको मेरी बात से जिसको यकीन नहीं है या जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मेडिकल जांच करवाएं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर सभी हिंदू हैं तो आज तक आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान क्यों नहीं आया? आज तक आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण या कोई सवर्ण क्यों खड़ा होता? नहीं समझ रहे, हम तो जाति गोल बंद करने में लगे हुए हैं। जाटक सभा, पासवान सभा, चमार सभा, ढोम सभा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और रिजल्ट क्या हुआ? सब कुछ चला गया, सब खो दिया हमने। हक का सवाल, भागीदारी का सवाल, आरक्षण का सवाल पीछे रह गया और जाति अस्मिता आ गया। मैं बात आपसे कर सकता हूं और अगर नहीं करूंगा तो मैं बाबा साहब के विचारों के साथ बेईमानी करूंगा। अगर 10 मार्च के बाद भी हम लोग नहीं चेते तो हम डिजर्व करते हैं कि हमारे गले में फिर से हरिया लटका दो और कमर में फिर से झाड़ूंगा। अगर कोई बात होती, कोई पते की बात हम लोग कर रहे होते तो आजादी के 7 दशक बाद भी मूछ रखने पर हमें पीटा नहीं जाता। अगर हम कोई बात काम की कर रहे होते तो आज भी हमको घोड़ी चढ़ने पर उतारा नहीं जाता। अगर हम काम की बात कर रहे होते, हमको लगता है कि हम लोगों ने अपना ज्यादातर समय जय भीम करने में गुजार दिया और उसी को अम्बेडकर बात समझते थे। ऐसा किया है शायद। अगर ऐसा नहीं है तो आजादी के 7 दशक बाद भी ऐसा क्यों हो रहा? यह सवाल किसी ब्राह्मण से नहीं पूछना, यह सवाल खुद से पूछना। फिर बीच में एक नोटिफिकेशन है, आप लोग मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेरा फोटो खींच सकते हैं, जब तक मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बात है जाननी चाहिए। और होगा क्या, अभी पिछले महीने मैंने बोल दिया एक चैनल पे कि जो ब्राह्मणों का जनेऊ है उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा। बात तो भाई साइंटिफिक है। मैंने कहा कि जो पुजारी पूजा करने आते हैं पता नहीं नहाते हैं कि नहीं, मुझे तो बड़ी बदबू आती है कि ना। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने भोपाल में मेरे ऊपर मुकदमा किया है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये मेरे ऊपर 24वां मुकदमा, इसमें पहले 23 ये लोग कर चुके थे मुकदमा, ये 2 दर्जन पूरा हो गया। तो इस मंच के माध्यम से मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 2 दर्जन पूरे कर दिए मेरे ऊपर मुकदमा। तो वीडियो चलाइए और ये डिस्क्लेमर भी, मैं जो कह रहा हूँ मेरी अपनी बात है, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर की जाए और आयोजक इससे मुक्त है। मैंने जो बात की साथियों वो कितनी छोटी सी बात थी कि जनेऊ में बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। अगर आपको मेरी बात से जिसको यकीन नहीं है या जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मेडिकल जांच करवाएं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि बिना नहाया हुआ ब्राह्मण आकर पूजा कराता है शरीर से बदबू आता है, ब्राह्मण महासभा वालों को तो धन्यवाद करना चाहिए कि भाई अभी 11 रुपया दक्षिणा लेकर जाते हो, नहा के आओगे पियो वो मार के, हो सकता है 20 रुपया दक्षिणा मिले। हम तो भैया ब्राह्मण ही देसी हैं। ये ब्राह्मण महासभा वाले समझ नहीं पाते हैं, बार बार हमारे ऊपर मुकदमा करते हैं। साथियों एक ऐसे दौर में जहां सच कह दे अगर कोई दलित तो वो देशद्रोही है, अगर कोई मुसलमान सच कह दे तो वो आतंकवादी है, और अगर कोई आदिवासी सच कह देता है तो उसको कह देते हैं नक्सली है। ऐसे दौर में आप तमाम साथी आज यहाँ इस जगह पर एकजुट हुए हैं, आप सबों को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। साथियों आप हैं, इसका मतलब है कि जो अंबेडकर बाप की लड़ाई है वो जय भीम से बहुत आगे है। भगत सिंह 100 नहीं हुए थे, बाबा साहब 50 नहीं हुए थे, लेकिन आज बाबा साहब की बात करने वाले, बाबा साहब के विचारों की बात करने वाले यहाँ दर्जनों लोग बैठे हुए हैं। जाहिर है यह लड़ाई जहां से चली थी उससे बहुत आगे आ गए। याद रखिए साथियों, बहुत बुरा दिन आता है, बहुत बुरा समय आता है। 10 मार्च का दिन हम सबों के लिए बहुत भयावह था। 10 मार्च का दिन हम सबों के लिए बहुत भयावह था।
कई रातों तक कई लोगों को नींद नहीं आई। क्या बाबा साहब ज्योतिबा फुले माननीय कांसी राम साहब इसी दिन के लिए हम लोगों को आज यहाँ पर हमारे शरीर पर यह कपड़ा लेकर आए थे, हमें अच्छे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में भेजा इसी दिन के लिए कि हम 10 मार्च का दिन आंदोलन पर ले आए। साथियों 10 मार्च का दिन हमारे लिए काला दिन था। 10 मार्च हम लोगों के लिए यह सीखने का भी दिन है कि हम सब ने अपने सामूहिक लड़ाई से जो हासिल किया था हम सब ने खो दिया, हम 0% सन्नाटा हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो किसी सरकार की हिम्मत कैसे है कि वो आज हर दिन हमारे आरक्षण पर हमला करता है? किसी सरकार की हिम्मत कैसे है कि हमारे रोहित बेमुला को, हमारे पायल तरवी को फांसी पर चढ़ा देती है यह सरकार? उसको मैं सांस्थानी खत्ता कहता हूं जो रोहित बेमुला के साथ हुआ, जो पायल तरवी के साथ हुआ। यह हमारी सामूहिक हार नहीं है तो हम लोग रोज गाना गाते हैं 85 हैं 85 हैं। डॉक्टर रतनलाल एक बार कहता है इतिहासकार के तौर पर तो उसको पुलिस जेल भेज देती है। यह हमारी सामूहिक हार है और इसका जवाब खुद से लेने का समय है। माननीय साहब का क्या सपना था? बहुजन की बात की, बहुजन से आते रहते। साथियों बुरा मत मानिएगा, हो सकता है आप में से कुछ साथी अलग अलग राजनीतिक दलों को समर्थन करते हो, लेकिन मैं उन राजनीतिक दलों से ऊपर, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संतान हूँ, माननीय कांसी राम साहब की विचारधारा की संतान हूँ। अपनी बात कहने से नहीं डरूंगा कि माननीय कांसी राम साहब ने बहुजन से शुरू किया था और हम सब एक शांति में लेकर चले, यही माननीय साहब का सपना था। हमने धोखा नहीं दिया, हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जातिवाद 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 करता है, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? क्या कोई खटिक किसी जाटव से शादी करने के लिए तैयार है? क्या कोई जाटव किसी दुसाद से शादी करने के लिए तैयार है, रिश्ता करने के लिए तैयार है? गाली तो दे, यही था बाबा साहब का सपना। ऐसे ही आप और हम जाति तो रहेंगे, जय भीम कहकर समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े अम्बेडकर वादी हो, लेकिन हम कितने जातिवादी हैं यह सवाल हमको खुद से पूछना पड़ेगा। उनको पता है कि आपके शरीर पर यह जो कपड़ा आया है वो कहां से आया है? उनको पता है आज आप तो सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ रहे हैं उसकी ताकत का सोर्स क्या है? उनको पता है कि आज आप चार पहिए गाड़ी पर चलते हैं उसकी वजह क्या है? आपको पता नहीं है, लेकिन सवर्णों को पता है। ये सब आपके अंदर आए हैं आरक्षण की वजह से। आप नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, हम तो जाति गोल बंद करने में लगे हुए हैं। चाटर सभा, पासवान सभा, चमार सभा, ढोम सभा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और रिजल्ट क्या हुआ? सब कुछ चला गया, सब खो दिया हमने। हक का सवाल, भागीदारी का सवाल, आरक्षण का सवाल पीछे रह गया और जाति अस्मिता आ गया। यह हम लोगों के बीच की बात है, इसलिए मैं बात आपसे कह सकता हूं, और अगर नहीं करूंगा तो मैं बाबा साहब के विचारों के साथ बेईमानी करूंगा। अगर 10 मार्च के बाद भी हम लोग नहीं चेते तो हम डिजर्व करते हैं कि हमारे गले में फिर से हरिया लटका दो और कमर में फिर से झाड़ू ना हो। जागना पड़ेगा साथ। 10 मार्च का काला दिन हर दिन याद रखिए कि हम सब ने क्या खो दिया है, क्या ताकत खो दी है हम सब ने। उस ताकत को हासिल करना है तो फिर से आरक्षण के सवाल पर आना होगा, फिर से भागीदारी के सवाल पर आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। खूब हम लोग लगते मिलते हैं, अरे ये तो ये अभी बहुत साथी इसमें से है, बोले उदित राज जी मेरे बारे में पूछ रहे हैं, कौन है भैया, बोले परिषद उदित राज जी बारे में, अरे यार ये क्या कर रहे हैं आप, मैं परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं बामसेब के कार्यक्रम में जाता हूँ, वामन के श्राम जी से मेरे अच्छे संबंध है, अभी 10-15 दिन पहले मैं मिलकर आया हूँ, चंद्रशेखर आजाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। भाई नहीं लगेंगे तो होगा कैसे? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैं भी इसी से बात हो रही थी फोन पर, इन्होंने कहा कि सबको साथ आना पड़ेगा, हमने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, आपकी हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है लेकिन मिशन से समझौता नहीं कर सकते। अगर बात आरक्षण बचाने की हो, बात
निजीकरण के खिलाफ लड़ने की हो तो हमको एक साथ आना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। ये जो कहावत सुनी थी ना कि परछाई से छुटा जाता है वह दिन पूर्ण ये साथी आ गया है। मोटा मोटी हम लोग वापस मनु स्मृति के दौर में मोटा मोटी पहुंच गए हैं। पहुंच गए ऐसा नहीं कि दूर पहुंच गए हैं हम लोग, और ये हमारी कमजोरियां हैं। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं बहुत लोग हैं डरते हैं, मैं नहीं डरता। शुरू में था मेरे पास 24 मुकदमे, मैं जुडिशियरी पर भी बात करता हूं। मैं कहता हूं भारत की न्यायपालिका आरक्षण विरोधी है। मैं अपनी बात सामने रख सकता हूं। भारत में जो जज है जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं जातिवादी है। मैं ये कहता हूं टंके की जोर पर कहता हूं, रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट को टैग कर दीजिए कि भारत की न्यायपालिका जातिवादी है। भारत की के जो जज है वो बेईमान जातिवादी। इस बात से किसको इतराज है? जो सच है ये सच है, इसका भूतम। मैं कहता हूं भारत की मीडिया जातिवादी। हम लोग गांधी कैसे गांधी कैसे कहें? हम लोगों ने तो घर में खुद ही तो आरएसएस का एजेंट अपने घर में बिठा रखा है। एक है टीवी और एक है आरएसएस का एजेंट है ना, हम लोग अपने घर में रखे आरएसएस के एजेंट। मैं हमेशा कहता हूं भारत का जो अखबार है खासतौर पर हिंदी अखबार, अखबार बीमार हो गया है। भारत का अखबार बीमार हो गया है और जो टीवी है उसको टीवी हो गया है, उसको बचिए। डिस्कवरी चैनल देखिए, कपिल शर्मा का शो देखिए, भाभी जी घर पर है देखिए, न्यूज चैनल पर देखिए। जो लोग रेडियो पर मुंह खोल के बैठ जाते हैं टीवी के सामने, वो आपको खराब कर रहा है, वो आपको नष्ट कर रहा है। भारत का मीडिया बहुजनों के साथ नहीं है, बहुजनों के खिलाफ है। अगर मीडिया कहे कि दिन है आप समझ लीजिए जरूर रात होंगे। कितना बेईमान है इसके बाद फिर बेईमान, इसको समझना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। और अब जवाब की ओर जाना पड़ेगा। जितने लोग हैं प्रबुद्ध जन बैठे सवाल सबको पता है, मैंने ऐसी कोई एक बात नई बात कह दी हो? एक भी नई बात नहीं है। हो सकता है जो बात मैं कह रहा हूं मैं थोड़ा जोर से बोल दे रहा हूं, आपको भी वो बात पता है, वो बात कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि इसके खिलाफ साथ लड़ने का मंत्र दे रहा हूं। आने वाले 18 और 19 जून याद रखिएगा, 18 और 19 जून को हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ईवीएम की बेईमानी के खिलाफ, ईवीएम की धांधली के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और आरक्षण बचाने के लिए एक बड़ा 2 दिवसीय कन्वेंशन करने जा रहे हैं 18 और 19 जून। अभी मैं अपना मोबाइल नंबर यहीं से बोल दूंगा। मैंने नेमेसिस को कहा था, नेमेसिस से ज्यादा उत्साही व्यक्ति तो मुझे मिला ही नहीं। कमाल के क्रांतिकारी साथी है, कितना कुछ हो जाने के बावजूद भी नेमेसिस जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं आप समझिए, तभी हम लोग बचे हैं ऐसे लोगों की वजह से। अगर सभी हिंदू हैं तो आरएसएस का चीन कोई यादव कोई नहीं, कोई भी क्यों नहीं। अगर सभी हिंदू हैं तो कोई आदिवासी क्यों नहीं बना आरएसएस का चीन। तो आरएसएस वाला हम लोग को समझाता है, मोहन भागवत तुम बताओ आज अपने समाज की तरफ से हम तुमसे पूछ रहे हैं भागवत कि अगर हम भी हिंदू हैं तो हमको आरएसएस का चीन कब बनाओगे। सवाल नंबर 2, मोहन भागवत मोदी और तमाम हिंदूवादी संगठन हमको बताओ कि अगर सभी हिंदू हैं तो आरएसएस ब्राह्मणों और यादव खटी तुषार मेहतर वाल्मीकि सबकी सामूहिक शादी का कार्यक्रम कब चलाएगा। कोई डेट दे दो भागवत, कोई डेट दे दो हिंदू संगठन वालों, अगर हम भी हिंदू हैं तो हमको इंतजार है। एक आखिरी सवाल, अगर सभी हिंदू हैं तो आज तक आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान क्यों नहीं आया? आज तक आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण या कोई सवर्ण नहीं क्यों खड़ा होता है? आज तक किसी मुसलमान ने किसी दलित को गोली से नहीं उतारा? आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं आया? इसका मतलब है हम समझते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हमारा असली दुश्मन कौन है।
इसी के साथ अपने बात समाप्त करता हूँ। आप तमाम साथियों ने सुना, राष्ट्रीय।